हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अबीर गॉड और इस बार मैं आपको लेकर जा रहा हूं मैक्लॉडगंज। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाएंगी। तो अभी हम आ चुके हैं मैक्लॉडगंज के सबसे ज्यादा हैपनिंग प्लेस में, जिसका नाम है मेन स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑन सीजन में है या फिर ऑफ सीजन में है, आपको हमेशा यहाँ पे भीड़ मिलेगी क्योंकि एक लाइवली प्लेस है। और अब मेन स्क्वायर तक आने के दो रास्ते हैं। एक तो है नॉर्मल रूट, जो कि धर्मशाला से छावनी होकर यहाँ तक आता है, इसकी लेंथ लगभग 15 से 16 किलोमीटर है। और दूसरा रास्ता है जोगीवारा, हम उसको खड़ंडा मार्ग भी बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि वहाँ से ना आए। तो फ्रेंड्स, अब मेन स्क्वायर को मेन स्क्वायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मैक्लॉडगंज का सेंटर पॉइंट है। अगर आपको कहीं पर भी टूरिस्ट स्पॉट पर जाना हो तो आप इसी रास्ते से जाएंगे, जैसे कि नड्डी, डल लेक, धर्मकोट, शिवा कैफे, वाटरफॉल और द वर्ल्ड फेमस दलाई लामा टेम्पल, जो कि हाइनेस दलाई लामा का घर भी है। हम वहाँ से मार्केट भी जा सकते हैं, तो अब थोड़ी शॉपिंग ही क्यों ना कर ली जाए। बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसे कि अबीर ने अभी हमें बताया कि ये मैक्लॉडगंज का सेंटर पॉइंट है और यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं। सभी रास्ते यहीं से होकर निकलते हैं, जैसे कि नड्डी, धर्मकोट एंड भगसू। तो अगर आप देखा जाए तो भगसू में हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, शिवा कैफ़े है और भी बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर हम आपको ज़रूर लेकर चलेंगे। हम आपको धर्मकोट भी लेकर जाएंगे, नड्डी भी लेकर जाएंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट कैफ़ेज़ पर लेकर जाएंगे। और अगर आप देख सकते हैं, ये मैंने जैसे कि अबीर ने भी बताया और मैंने भी बताया, ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट पर बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। अभी हमें एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट दिखा है, मैक्लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमारी जेम्स बॉन्ड सीरीज़ है, जेम्स बॉन्ड सीरीज़ के जो बहुत ही फेमस एक्टर हैं पियर्स ब्रॉसन, ठीक है, वो भी यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने ही है हमारा ये मैक्लो रेस्टोरेंट। मैक्लॉडगंज में एक गांव है भगसूनाग, जो कि वाटरफॉल और भगसूनाग टेम्पल के कारण काफ़ी फेमस है। एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा भगसू ने पवित्र नाग डल लेक से पानी चुरा लिया था, जिसके कारण नाग देवता और राजा भगसू के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा भगसू की हार हुई और उसे माफ़ कर दिया गया। इसी जगह पर प्राचीन भगसूनाग मंदिर बना हुआ है। भगसूनाग अपनी लोकेशन की वजह से काफ़ी फेमस है और टूरिस्ट्स के लिए यहाँ पर हर बजट में ठहरने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम भगसूनाग टेम्पल को क्रॉस करते हुए शिवा कैफे के लिए निकल चुके हैं और उसका रास्ता लगभग 2 किलोमीटर है, तो हमें 1 घंटा लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। इतना एक्सपेंसिव नहीं है।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें शिवा कैफे तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा, पर अगर आप मेरी तरह फिट हो तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। और ट्रैक पे चलने में मजा बहुत बिल्कुल और ट्रैक बहुत ही ज्यादा स्टीप है तो काफी हमारी एनर्जी भी इसमें कंज्यूम हो रही है, पर अभी बहुत लंबा रास्ता है तो चलो चलते हैं। बिल्कुल, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू रीच शिवा कैफे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि स्टीप है बहुत ज्यादा ट्रैक, और ये ट्रैक कई कई जगहों से तो थोड़ा सा खतरनाक भी है। बिल्कुल, एट लास्ट अबीर की मेहनत काम आई, अबीर ने पूरा ट्रैक कंप्लीट किया एंड नाउ ही इज एट शिवा कैफे। ये फ्रेंड्स अभी हम मस्त ट्रैक से अपनी थकावट दूर करने के लिए मॉर्गन्स प्लेस पे जा रहे हैं। इट इज अ ऑल डे बिस्ट्रो। यो कम अभी वी हैव रीच्ड मॉर्गन्स प्लेस और अभी हम अंदर जाएंगे टेस्टी टेस्टी क्यूजीन का मजा लेने के लिए, तो चलो चलते हैं। Friends, what else in Dharam Court? Another good cafe, track and dine. तो जब लोग त्रिवेणी ट्रैक से ट्रैकिंग करके आते हैं तो फिर वो लोग यहाँ पे खाना खा लेते हैं, मतलब डाइन, तो इसलिए इस कैफे का नाम है ट्रैक एंड डाइन। और आप यहाँ पे अच्छे से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं मैं कितना रिलैक्स होके बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे आप लोग अच्छे से बातें कर सकते हैं। यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं,
और जब भी अबीर यहाँ पर आता है तो हर बार अबीर यहाँ पर ज़रूर आता है, जब भी अबीर मैक्लॉयडगंज आता है तो अबीर यहाँ पर ज़रूर विज़िट करता है, क्योंकि अबीर को यहाँ का कुज़ीन, यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फ्रेंड्स, वी आर इन नड्डी मैक्लॉयडगंज और मेरे पीछे है डल लेक। ये एक नेचुरल लेक है, इसमें बारिश और बर्फ दोनों का पानी जमा हो जाता है और जो बड़े बड़े पाइन के ट्रीज हैं इसके चारों तरफ ट्रैक बना हुआ है। लोग यहाँ पे इवनिंग में और नाइट में वॉक करने आ सकते हैं और यहाँ फिशेस को भी फीड कर लेते हैं कई लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसे कि अबीर ने अभी बताया हमें नड्डी के बारे में, नड्डी मैक्लॉयडगंज से कुछ ही दूरी पर है एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं और जो टूरिस्ट पीस की तलाश में यहाँ पर आते हैं तो जनरली वो लोग नड्डी में ही आकर स्टे करते हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट है और अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू मैक्लॉयडगंज, यहाँ पर जो टेम्परेचर है हमें थोड़ा सा हमेशा ही लो मिलता है, चाहे आप समर्स में आ जाएं चाहे आप विंटर्स में आ जाएं। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हम लोग यहाँ पर काफ़ी बार आ चुके हैं और हमारा भी वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है मैक्लॉयडगंज और हमें आना यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, वी एन्जॉय अ लॉट। फ्रेंड्स, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। बिल्कुल। The monastery in Mäklöjdgänj is Namgyal Monastery and is also often referred to as the Dalai Lama's temple. It is the personal monastery of the 14th Dalai Lama, known as Tenzin Gyatso. His full spiritual name is given in description below. After Tibetan uprising of 1959, the Namgyal Monastery was relocated to Mäklöjdgänj. His Holiness Dalai Lama is a recipient of the Nobel Peace Prize, awarded in 1989. This place gives you immense peace, so must visit holy place for all. So friends, मैं आपको ले आया हूँ धर्मशाला के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में।
ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टेडियम है। वहाँ देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ ग्राउंड की पिच देखिए कितनी सुंदर है। इस ग्राउंड से पहाड़ दिख सकते हैं। बहुत सुंदर ग्राउंड है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये ग्राउंड। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, जब भी आप हम या फिर आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम होती है मार्केट्स में, क्योंकि आजकल बहुत भीड़ भाड़ हो चुकी है। इसलिए मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप कैब करके जाएं। हमें सुरेंद्र अंकल ने बहुत अच्छा, मतलब बहुत घुमाया, इन्होंने हमें अच्छी अच्छी जगहों का नाम बताया, हमें इनके साथ बहुत मज़ा आया, ये बहुत अच्छे हैं। मैं इनका मोबाइल नंबर आपको मेरी वीडियो में लिंक दे दूँगा। क्या बोलना था वैसे? तो फ्रेंड्स मैं आपको ले आया हूँ हिमाचल